हाय, दिस इज रुचि शाह। वेलकम टू द किचन निंजा। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। आज हम द किचन निंजा में किड्स स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे ये डिलीशियस रोटी रोल्स बनाते हैं। आज हम यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही एक बढ़िया सा स्नैक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है। अब इसमें हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कप जितना फाइनली चॉप्ड कैबेज लिया है, हाफ कप जितना फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। अच्छे से इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए इसे हम कुक होने देंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी और झटपट बन जाती है और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। एक मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। अब ये ग्रीन चिलीज़ यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसे स्किप करके रेड चिली पाउडर ज़्यादा डाल सकते हो। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम बॉईल किए हुए कच्चे केले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कच्चे केले लिए हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप अमचूर पाउडर की जगह पे यहाँ पे आप लेमन भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से उसे भी हम मिक्स कर देंगे। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। स्टफिंग हमारा बनके रेडी है। आप इसे किसी रोटी में भी स्टफ़ करके पराठा जैसे बना के खा सकते हो। ब्रेड पे भी इसे आप ग्रीन चटनी को अप्लाई करके उसके ऊपर आप ये मिक्सचर ऐड करके टोस्ट सैंडविच बना के खा सकते हो। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। आज इस मिक्सचर को हम रोटी पे ही सर्व करने वाले हैं, बट कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके हम इसे सर्व करेंगे, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर रोटी ली है, नॉर्मल रोटी जो हम घर पर बनाते हैं। अब इस पे हम थोड़ा सा मेयोनीज स्प्रेड करेंगे अच्छे से। अगर आप मेयोनीज नहीं खाते हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। आप नॉर्मल ग्रीन चटनी भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा केचप ऐड किया है मैंने यहाँ पे, उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हम। जो स्टफिंग हमने बनाया था वो इस पे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। एकदम थिन लेयर बनाना है आपको। दोनों भी रोटी पे मैंने अच्छे से सारी चीज़ें असेंबल कर ली है। अब इसे हमें फोल्ड करना है रोल करके। इस तरह से हम रोल कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से पीसेस में कट कर लेंगे। अगर कट करने के टाइम पे अगर आपका स्टफिंग थोड़ा सा बाहर आता है तो आप इसे हल्के से प्रेस करके इस तरह से रेडी कर सकते हो। सारे रोटीज़ के मैंने यहाँ पे इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। अब इसे हम सेकेंगे। एक नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने यहाँ पे, जिसे मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम एक एक करके सारे पीसेस रखेंगे और चारों भी तरफ जब तक कि हमारे क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे हम सेकेंगे। थोड़ा हम ऊपर से भी ऑयल ब्रश कर लेंगे। आप देख सकते हो एक साइड हमारा अच्छे से सीख चुका है। मैंने इसे फ्लिप कर लिया है और दूसरी साइड भी इसे हम अच्छे से सीखने देंगे। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस लगती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोनों भी साइड हमारे अच्छे से सीख चुके हैं।